तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को हैप्पी दिवाली, क्योंकि दिवाली एक ऐसा फेस्टिवल है जो हमारे लाइफ में उजाला फैला देता है। एंड अगर तुमने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो आई एम प्रीटी श्योर कि तुम्हारी जिंदगी में एनीमे ने कभी ना कभी उजाला जरूर फैलाया होगा। और इसलिए आज मैं बात करने वाला हूँ अबाउट एनीमे हिस्ट्री ऑफ इंडिया, क्योंकि यार अब तो इंडिया में सब लोग एनीमे देखते हैं। लोग एनीमे के क्रिंज कवर सॉन्ग्स गा रहे हैं, एनीमे का क्रिंज कॉस्प्ले कर रहे हैं एंड वीप कन्या को पटाने के तोड़ के देख रहे हैं। पर ऐसा हमेशा से नहीं था और आज मैं इसी के बारे में बात करने वाला हूँ। ऑल्सो दोस्तों, ये सीरीज का पार्ट टू है, तो अगर पार्ट वन नहीं देखा है तो देख लो, लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात की थी कि एनिमे कैसे स्टार्ट हुआ, इंडिया में एनिमे कब आया, द गोल्डन एरा ऑफ इंडियन एनिमे टेलीविजन और द इंट्रोडक्शन ऑफ जियो। तो चलो स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों, 2016 में बहुत सी यूनिक चीजें हुई थी, जैसे कि ओलंपिक्स, डीमोनेटाइजेशन और आरसीबी का फाइनल में हारना। अरे नहीं सॉरी, ये तो नॉर्मल है। पर दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जियो के बारे में, जिसका इंडिया में एनिमे बढ़ाने में बहुत बड़ा हाथ है। क्योंकि 2016 में जियो ने लिटरली लोगों के मुंह पर इंटरनेट मारना शुरू किया, जिसके वजह से बहुत सारे लोग इंटरनेट पर आए और नई नई चीजों को एक्सप्लोर करने लगे, जिनमें से एक था एनिमे, जिससे रिलेटेड ग्रुप बनने लगे फेसबुक पर, जहां पर एनिमे से ज्यादा हेंटाई कलेक्शन पर बात होती थी। लाइक कहां पहले किस सेशन पर एक एपिसोड खत्म होते होते डैड का नेट भी खत्म हो जाता था और फिर ये होता था। और कहां अब जियो के बाद डेथ नोट खत्म, टोक्यो गूल खत्म, वन पंच मैन खत्म, नारुतो खत्म। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। वाओ, हे मॉम, आई एम जापानीज नाउ, ओके। और ये सब करने के बाद भी इतना नेट बचता था कि तुम वीडियोस डाउनलोड कर सको अपने होमवर्क फोल्डर के लिए। बेसिकली जियो के बहुत अच्छे इफेक्ट्स थे, ओके? पर उसके कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स भी थे, जैसे कि जियो के बाद लोग कम टेलीविजन देखने लगे एंड टेलीविजन कंपनियां मार्केट में दबदबा मेंटेन करने के लिए अलग अलग चीजें ट्राई करने लगी। और इसी बीच आया वो काला दिन जिसको कोई इंडियन एनिमे फैन नहीं भूलेगा, यानी 2017 अप्रैल, जब एनिमे शट डाउन हो गया, क्योंकि सोनी को खुले में हगना था, मेरा मतलब चाइल्ड फ्रेंडली शोज दिखाने थे। क्योंकि जाहिर सी यार, तुम हंटर हंटर, ब्लीच और नारुतो क्यों देखोगे जब तुम ये मास्टरपीस देख सकते हो, राइट? और फिर एनिमे फैंस को एक आइडिया आया कि एक काम करते हैं, इंटरनेट पर पेटिशन भरते हैं। इनकी 1000 करोड़ की कंपनी है, 1000 लोगों का पेटिशन देख के गलती तो मान ही लेंगे, राइट? पर शॉकिंगली दोस्तों, ये मास्टर प्लान काम नहीं आया। पर अच्छी बात ये थी कि एनिमेक्स की क्रांति की आग अभी भी सुलग रही थी और ऑनलाइन एनिमे के लिए सपोर्ट बढ़ते जा रहा था। पेटिशन बन रहे थे, यूजलेस ही सही पर बन रहे थे, और यूट्यूबर्स अब AMVs के जगह पे एनिमे रिव्यूज और मेमेज डालने लगे थे। ड्रैगन बॉल जी एनिमे के वीडियोस यूट्यूब पे फैल गए थे और डेथ नोट और नारुतो का फीवर चल रहा था। इस वक्त दोस्तों, अगर तुम नारुतो और डेथ नोट देखते थे तो तुम्हें कोई नारुतो का चोदा नहीं बल्कि कूल बोला जाता था। इसी बीच स्टूडियो दुर्गा ने एक इंडियन एनिमेशन अनाउंस किया था और एनिट्यूबर जैसे एनिमेटियम टॉक्स अपनी यूनिक ऑडियंस बनाते जा रहे थे। अब एटलीस्ट किसी के सामने ये बोलने पर कि तू एनिमे देखता है क्या, सामने से ये जवाब नहीं आता था कि ये अनाइम क्या होता है भाई, तू बच्चे वाले कार्टून देखता है क्या, ये अनाइम हेंटाई है क्या। एनीवे, इंडियन एनिमे कम्युनिटी आगे बढ़ रही थी एंड एंटर्स 2018, जब तक इंटरनेट एकदम नॉर्मल हो गया था और अब वेब सीरीज भी फैलना शुरू हो रही थी, जिसकी वजह से लोग नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन लेने लगे और एनिमे को और थोड़ी नई ऑडियंस वहां से भी मिली। वो बात अलग है कि अभी भी OG एनिमे फैंस पायरेट करके एनिमे देख रहे थे। पर 2018 में दोस्तों माहौल बदलने वाला था, क्योंकि इस दौरान योर नेम और साइलेंट वॉइस जैसी मूवीज इंडिया में काफी फैल गई, क्योंकि ये मूवीज हिंदी डब कर दी गई थी बाय TM डबर्स। एंड आई स्टिल थिंक कि ये दो मूवीज का एनिमे का ग्रोथ में बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि ऐसा कोई बंदा नहीं था जो साइलेंट वॉइस देखेगा और ये बोलेगा कि आई हैव सीन इनफ, आई एम सैटिस्फाइड। यूजुअल रिएक्शन ये होता है कि व्हाट इज अनाइम, टॉप 10 एनिमे लाइक योर नेम, टॉप 10 एनिमे गर्ल्स, हिनाता हेंटाई, ओके ओके, यू गेट द पॉइंट। अब दोस्तों गेस करो कि इस वक्त इंडिया में सबसे ज्यादा फैंस किस एनिमे के थे। तो अब ड्रैगन बॉल जी फैंस के दिमाग में एक आइडिया आया कि एक काम करते हैं, ब्रॉली मूवी लगाने के लिए एक पेटिशन बनाते हैं। एंड दोस्तों, ये पेटिशन दिवाली में उस फूस पटाखे की तरह स्टार्टिंग में फूस निकलता है और जैसे ही तुम उम्मीद छोड़ दो सीधा तुम्हारे चेहरे पे पड़ता है। एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड। इस पेटिशन का स्टार्टिंग में कुछ इफेक्ट नहीं हुआ, पर बाद में बहुत सी यूट्यूबर्स और इंडिविजुअल्स के सपोर्ट के बाद मूवी के ऑफिशियल रिलीज के बहुत ज्यादा टाइम बीत जाने के बाद फाइनली PVR ने मार्च में 2019 में ब्रॉली मूवी को इंडिया में रिलीज कराया। और ये एक बहुत बड़ी विक्ट्री थी इंडियन एनिमे कम्युनिटी की, क्योंकि इससे पहले इंडिया में बस सिंचन और डोरेमोन की मूवीज आई थी, जो कि मूवीज थी बच्चों के लिए, एंड ड्रैगन बॉल सी मूवी थी अडल्ट बच्चों के लिए। पर दोस्तों, ये तो बस ट्रेलर था। अब जैसा मैंने पहले बोला था कि योर नेम काफी फेमस हो गया था एंड क्योंकि 2019 में योर नेम के मूवी के डायरेक्टर मकोटो शिंकाई की नई मूवी आ गई थी, तो एनिमे फैंस को एक आइडिया आया कि एक काम करते हैं,
इंटरनेट पर मूवी लगाने के लिए पिटीशन करते हैं, 100 करोड़ की मूवी है, 30-40 हजार इंडियंस को देख के तो मूवी ला ही देंगे। एंड ये तुक्का एक्चुअली में सही निकला एंड ये पिटीशन एक्चुअली में काम कर गया थैंक्स टू मकोटो शिंकाई एंड PVR। एंड टेंगेनोको इंडिया में आ गई October 2019 में एंड मकोटो शिंकाई आ गए हमारे दिल में। एंड दिस इज वो स्टार्टेड द एनिमे मूवी एरा ऑफ इंडिया। लाइक फास्ट फॉरवर्ड टू 2022 और प्रेजेंट में एनिमे मूवीज का PVR में आना इतना नॉर्मल हो गया जितना कि बचपन में खुश रहना नॉर्मल था, और इस इवेंट का उसमें बहुत बड़ा हाथ है। ओके, तो अब 2020 आता है एंड साल के स्टार्ट में हमें दो बड़ी चीजें मिलती हैं। पहला था कर्मचक्र, द फर्स्ट इंडियन एनिमे मूवी जो फाइनली रिलीज हुई थी, जिसने लिटरली सबके साथ एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी वाला मीम किया था, पर हे, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, ओके। एंड दूसरी बड़ी चीज थी नेटफ्लिक्स का इंडिया में गिबली मूवीज का हिंदी में डब लाना। नाउ दिस वाज ग्रेट बिकॉज नेटफ्लिक्स ने फाइनली ये रियलाइज किया था कि इंडिया में भी एक एनिमे मार्केट है। इन शॉर्ट, इंडिया में जियो और एनिट्यूबर्स ने मिलकर इंडिया में एक एनिमे ऑडियंस दिला दी थी, यानी केमिकल्स तैयार थे, बस एक कैटलिस्ट की जरूरत थी। एंड दिस इज वेयर चाइना कम्स इन। तो 2020 में कोविड आया, लॉकडाउन लग गया एंड लोग इतने ज्यादा वेले हो गए कि थाली बजाने में उन्हें स्वाद आने लगे। पर हे, वेला होना एंड एनिमे फैन होना गोज हैंड इन हैंड। लाइक लॉकडाउन में लोगों को इतना टाइम मिला जितने में तुम दो बार वन पीस खत्म कर दो। तो जाहिर सी बात है, जो बंदा वेब सीरीज देख रहा था वो वेब सीरीज से बोर हो गया, जो मूवीज देख रहा था वो मूवीज से बोर हो गया, और लोग एक नया नशा ढूंढने लगे थे, और इसीलिए बहुत से लोग ने एनिमे ट्राई किया एंड इंस्टेंटली लाइक्ड इट। एंड 2020 में लॉकडाउन के वजह से घर घर में वीप बनाओ योजना चलने लगी। एनिवे दोस्तों, लॉकडाउन में किस एनिमे भी स्वर्गवासी हो गया, और ऐसे में मुझे किस एनिमे को शॉर्ट आउट देना पड़ेगा, क्योंकि किस एनिमे में फैंस के लिए रॉबिन हुड था, अमीरों से उठा के गरीब को देने वाला अच्छा आदमी था। क्या मतलब पायरेसी इलीगल है? तो मैं तो यही बोलूंगा कि रेस्ट इन पीस किस एनिमे, आज भी उसके यूआई की याद मुझे आती है। पर एनिमे दोस्तों, किस एनिमे को बाद में एनिमिक्स प्ले, गोगो एनिमे और एनिमे पाई जैसे वेबसाइट ने रिप्लेस कर दिया। इनफैक्ट अब तो यूट्यूब पे ऑफिशियल एनिमे चैनल्स भी आ गए थे, जैसे कि म्यूज एशिया, जिसके फास्ट फॉरवर्ड 2022 में अब 5 मिलियन सब्स हैं। खैर दोस्तों, अब 2020 के बाद 2021 में इवन दो ज्यादा अच्छी क्वालिटी के एनिमे नहीं आए थे, इंडियन एनिमे कम्युनिटी का साइज सेम था, क्योंकि अब हम लोग एक प्लेटियो स्टेज से गुजर रहे थे जहां पर हम टोक्यो रिवेंजर्स और मुशुको टेंसेई जैसे पॉपुलर शोज देखने लगे। क्योंकि पहले बाहर मेनस्ट्रीम एनिमे चल रहा होता था नियॉन जेनेसिस इवेंगेलियन, काउबॉय बीबॉप, और इंडिया में चल रहा होता था ड्रैगन बॉल जी और पोकेमोन। बाहर मेनस्ट्रीम एनिमे चल रहा होता था स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन और अटैक ऑन टाइटन, और इंडिया में चल रहा होता था ड्रैगन बॉल जी और पोकेमोन। यू गेट द पॉइंट। पर आजकल हम फुल्ली ऐसे स्टेज पर आ गए हैं कि अगर ग्लोबली डेमन स्लेयर, अटैक ऑन टाइटन और जुजुत्सु काइजन चल रहा है तो इंडिया में भी वही एनिमे चल रहे होते हैं। लाइक जब तुम्हारा शोनेन टार्ड फ्रेंड तुम्हें आके ये पूछे कि यार तूने ड्रेसअप डार्लिंग का नया एपिसोड देखा, दैट्स हाउ यू नो कि मेरा देश बदल रहा है, कल्चर बन रहा है। खैर, अब 2020 से लेके 2022 तक काफी एनिमे मूवीज PVR ने लाई हैं, जैसे कि लूप इन द थर्ड, माय हीरो एकेडमिया, डेमन स्लेयर, फेट ओरिजिनल रामायण एनिमे 4K में, स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन। पर एक एनिमे मूवी थी जिसने इंडियन एनिमे कम्युनिटी की ट्रू पावर बिग स्क्रीन पर दिखा दी, और वो थी जुजुत्सु काइजन जीरो। तो दोस्तों, मैं कोई मैथमेटिशियन जीनियस नहीं हूँ और मुझे नहीं पता कि कलेक्शन कैसे काम करता है, पर अगर एक एवरेज टिकट का प्राइस 180 था और उसको तुम 5.4 करोड़ से डिवाइड करोगे तो तुम्हें मिलेगा 3 लाख। दैट मीन्स 3 लाख पीपल वेंट टू वॉच द मूवी। लाइक कहाँ पहले पेटिशन में 40-50 हजार वोट्स मिलने के बाद भी 4-5 महीने वेट करना पड़ता था मूवी अनाउंस होने के लिए, और कहाँ अब एनिमे मूवीज PVR में आ रही हैं और 5 करोड़ का कलेक्शन भी हो रहा है। खैर, अब यहाँ 5 करोड़ का कलेक्शन हुआ नहीं कि सोनी ने नारुतो हिंदी में टीवी पर लाना अनाउंस कर दिया, और क्रंचीरोल कॉस्ट इफेक्टिव प्लान्स इंडिया में निकाल रहा है। कोइंसिडेंस? आई डोंट थिंक सो। बट हे, आई एम नॉट कम्प्लेनिंग, ओके, आई एम जस्ट हैप्पी कि एनिमे काफी लॉन्ग जर्नी के बाद इस लेवल तक इंडिया में आ गया है। तो दोस्तों, ये था इंडिया का 30 साल का एनिमे जर्नी फ्रॉम 1992 टू 2022। और ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि आई वॉज काइंड ऑफ टायर्ड ऑफ हियरिंग न्यू एनिमे फैंस टॉक अबाउट हाउ नोबडी वॉचेज एनिमे इन इंडिया। बिकॉज जो बंदा पहले से है ना इंडियन एनिमे कम्युनिटी में, उसको ही पता है यार कि कितना बड़ा ग्रोथ हुआ है एनिमे का। लाइक डबल नहीं, ट्रिपल नहीं, क्वाड्रुपल ग्रोथ हुआ है। तो क्या इंडिया में एनिमे अभी मेनस्ट्रीम हो गया है? नहीं। पर क्या मेनस्ट्रीम एनिमे इंडिया में पॉपुलर है? हाँ। क्या ये एक अच्छी चीज है? शायद। और क्या तुम्हें इस वीडियो को लाइक करना चाहिए? हाँ। नो, आई एम नॉट किडिंग गाइस, अभी वीडियो लाइक करो, वरना योर वाइफ इज ट्रैश। तो या गाइस, दैट वाज द वीडियो। मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड सायोनारा।